हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं मेथी के परांठे। मेथी के परांठे बनाने के लिए ये एकदम मैंने ताज़ा ताज़ा मेथी ली थी, जिसको कट करके साफ करके इसको 3-4 बार पानी से धो लिया है। इसको 3-4 बार पानी से धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें गंदगी बहुत होती है। तो इसको रखते हैं हम साइड में। आलू का पराठा बनाने के लिए मैंने आटा लिया है। आपके फैमिली के हिसाब से बना रहे हो तो उस हिसाब से बना सकते हो। तो ये मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें कुछ मसाले हम मिक्स करेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे ताकि थोड़ा कलर अच्छा। जीरा ऐड करेंगे, थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे, थोड़ा स्वाद अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, उसके लिए इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। नमक डाल लेंगे, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। मसाले हमने मिक्स कर लिए, उसके बाद इसमें हम मेथी ऐड कर देंगे। सर्दियों का टाइम है, हरी भरी सब्जियां तो आती रहती हैं, तो ये मेथी के परांठे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। थोड़ा इसका 3-4 बार पानी से धोने के बाद इसका थोड़ा कड़वापन भी निकल जाता है। थोड़े से हरे धनिया डालेंगे ऊपर से। ये हमने बॉईल किया हुआ आलू ले लिया है। इसको इसमें हम ग्रेटर की सहायता से इसको ग्रेस कर देंगे। इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा बढ़ जाता है। आप एक बार मेरे तरीके से इस परांठे को बनाकर देखें, बहुत टेस्टी लगता है ये। आलू को कद्दूकस करने के बाद थोड़ी सी इसमें प्याज ऐड कर देंगे। ऑप्शनल है, प्याज डालो या ना डालो, आपकी इच्छा है। और ये हमने लहसुन अदरक का थोड़ा सा दरदरा पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट कर लिया है तैयार। इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा बढ़ जाता है। आप एक बार इस तरीके से परांठे बनाकर जरूर देखें, बहुत टेस्ट लगता है। इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरीके से। इसमें पहले अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे, हमें जितनी पानी की आवश्यकता होगी उतना इसमें हम ऐड करेंगे। इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब जितना हमें इसमें पानी की आवश्यकता होगी उतना हम डाल के थोड़ा थोड़ा इसका हम आटा गूंथ लेंगे। रोटी के जैसा ही इसका हम आटा गूंथेंगे, ज़्यादा सख्त नहीं गूंथेंगे। अगर ज़्यादा टाइट गूंथेंगे तो फिर फटने लग जाएंगे पराठा। तो ये मैंने आटा लगा के तैयार कर लिया है। इस तरीके का मैंने आटा लगाया है ये। तो अब इसका हम पराठा बनाते हैं। गैस पर हमने तवा रख दिया है, तो इसका हम पराठा बनाएंगे। पराठा बनाने के लिए इसमें से हम लोही तोड़ेंगे, थोड़ी बड़े बड़े साइज की तोड़ेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इससे, इस तरीके से। इसके इतने बड़ी हम साइज की हम लोही तोड़ेंगे, इतने साइज की। इतना साइज हम तोड़ते जाएंगे। इस साइज की, और इससे सूखा आटा लगाएंगे हम। सूखा आटा लगाने के बाद चकले पर रख दी हमने, इसकी हम गोल लोई बेलेंगे रोटी जैसा, इस तरीके से। और इससे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे तरीके से, इस तरीके से ऑयल लगा लेंगे। और इस पराठे का एक शेप दे देंगे इसको हम, ठीक है, इस तरीके से। सूखा आटा लगा लेंगे इस तरीके से। इससे सूखा आटा लगाने के बाद इसको हम बेलेंगे, इस तरीके से बेल के तैयार करेंगे। इस तरीके से मैंने ये पराठा बेल के तैयार कर लिया है। चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पर हमने तवा रख दिया है, तवा गर्म हो गया। पराठा डालेंगे इस पे,
इसी तरीके से हम इसको गर्म होने देते हैं। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसको पलटेंगे हम, इसको हम पलट देंगे इस तरीके से। इससे हम ग्रीस करेंगे। घी ऑयल कुछ भी आप खाते हो वो लगा सकते हो इस तरीके से। पलट देंगे इसको, फिर से घी लगाएंगे इस पे। गैस को मीडियम रखेंगे। इसको पलटते पलटते हम सेक लेंगे। तो ये मेथी के पराठे बन गए हैं। इसको निकालेंगे हम। तो ये हमारे मेथी के पराठे बनके रेडी हो चुके हैं। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत टेस्टी लगे हैं। आप इस तरीके से मेथी के पराठे बनाकर ज़रूर देखें। आलू मेथी डाल के इसको बनाया है मैंने, बहुत टेस्टी लगता है ये पराठा खा। तो ये मैंने मेथी आलू का पराठा बना के तैयार किया है। सर्दियों का टाइम है भाई, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहती हैं, तो इसको मैंने बनाया है। देखो वाओ कितना अच्छा, एकदम गरम गरम हमारी मेथी आलू का पराठा बनके तैयार हुआ है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।